नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। एक मिनट में जानिए पूरी खबर। गुजरात के नर्मदा जिले से खबर आ रही है। नर्मदा जिले में 6 गांव के आदिवासी विस्थापित होने की कगार पर हैं, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शंकर सिंह बाघेला ने आदिवासियों से जाकर मुलाकात की। बाघेला ने इस दौरान आदिवासियों की अलग अलग समस्याओं के बारे में भी जायजा लिया। बाघेला ने आदिवासियों की लड़ाई में पूरा समर्थन देने की बात भी कही। शंकर सिंह बाघेला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सरकार को आदिवासियों को विस्थापित करना है तो हर हाल में जमीन देनी ही पड़ेगी। सरदार सरोवर केवड़िया कॉलोनी, यहाँ के निवासी और कई सालों से इसकी चर्चा हो रही है। आज यहाँ के जो लोकल लीडर थे, इन्होंने कहा कि आप केवड़िया आइए, यहाँ की हमारी बातें सुनिए और सुनने के बाद जो भी आपको ठीक लगे वो आप कहिए। इतना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब से सरदार सरोवर डैम का यहाँ शिलान्यास हुआ 1960 में, तब से मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, ट्राइबल है, आदिवासियों की अपनी दुनिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 73AA इनको दिया है। वो अपनी मांग करते थे कि हम जहाँ विस्थापित होते हैं वहाँ अच्छी जगह हमको पुनर्स्थापित करिए, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मध्य प्रदेश गुजरात ने जो भी कोशिश करनी चाहिए वो की है, लेकिन आज भी इनको असंतोष है। जैसे अभी सरदार साहब का स्टैचू बहुत बड़ा बना है यहाँ, चाहे इतनी हाइट बने इनकी, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर सरदार साहब के स्टैचू में अगर जी होता, सरदार साहब खुद होते, तो वो रोते, दुखी होते, अपने आदिवासी भाई बहनों का दुख देखते, वो कभी सहन नहीं करते और गुजरात और भारत सरकार को बोलते कि ये मत करो, इनका विश्वास संपादन करो, जमीन जो ले ली है वो वापस दो। 73AA कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को भी वो लागू होता है। गवर्नमेंट को ऐसी मालिक नहीं है कि विदाउट एनी रीजन उठाकर ले जाए जमीन को, हटवा जाए, नहीं, एंटी ह्यूमन एक्ट हो रहा है। इस हिसाब से मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जो सुना इनकी बात और कई सालों से इनकी तकलीफ है, और इस हिसाब से जो 73AA यहाँ है फिर भी जमीन इनको ले ली है वो वापस नहीं देनी है। ना गौचर है, ना और कोई जमीन है, तो जमीन दो। अगर इनको पुनर्प्रस्थापित करना है तो अच्छी जगह दो, विश्वास में लो। ये नहीं होता है तो इनकी लड़त रहेगी, और न्यायी लड़त है। इनकी लड़त में मैंने कहा है कि हमें जमीन के बारे में जो भी इनका दुख है, न्यायी है ऐसा लगा है, वह इनके साथ लड़ने में जो भी संघर्ष करेंगे, आई विल ऑलवेज बी ट्राइबल पीपल। सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नामकरण जब हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, किसने विरोध किया था और कैसे किया था? अरे, विरोध का सवाल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा स्टंट है, क्योंकि गुजरात ने देश भर के किसानों को, लोगों को कहा गया कि आप लोहा जमा कराइए। मैं गुजरात सरकार को पूछना चाहता हूँ, लोहा कहाँ गया? ये तो मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना के आइटम तकलादी होती है। आप तो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कहाँ गया मेक इन इंडिया? यानी कि पूरा मार्केटिंग है, सिवा मार्केटिंग कुछ नहीं है। सरदार साहब के नाम जो ये हो रहा है वो ठीक नहीं है। यही बीजेपी के लोगों ने अहमदाबाद का नाम, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया था, काले कपड़े दिखाने के लिए यही बीजेपी के लोग आए थे। इनके लिए ये सरदार पटेल नहीं है, नाम मात्र है, मार्केटिंग है। सरदार साहब का जो दिल था, हृदय था, वो तो प्रो पोवर था। यहाँ आइए, इनको पूछिए क्या हो रहा है, इनको न्याय दीजिए, फिर जो भी डेवलपमेंट, सबका विकास, सबका साथ, तो यहाँ तो किसी का विकास है ही नहीं, ये तो रोते हैं सब लोग, विकास किसका हुआ? सर, राम मंदिर बने या ना बने, राम मंदिर क्या फर्क, राम मंदिर से क्या फर्क पड़ता है? राम मंदिर बनेगा तो मेरा लड़का जो अनएम्प्लॉय है उसको नौकरी मिलेगी क्या? मैं भूखा हूँ तो 2 रोटी मिलेगी क्या? आज तक राम मंदिर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? हम राम भक्त है तो क्या हुआ, मंदिर है तो ही राम भक्त है? ये सब मार्केटिंग है, और हिंदू मुस्लिम देश को बांटने के लिए बहुत बड़ा ड्रामा है। देश का सिटीजन समझे, ये इनकी चालबाजी, ये धार्मिक लोग नहीं है। इतने अपूज्य मंदिर है, वहाँ बैठा दो सब VHP बजरंग दल के लोग, जो भी हो लाए पूजा करो वहाँ। राम मंदिर का, और अगर है तो क्या है, नहीं है तो क्या है, बनेगा तो ठीक है लोग दर्शन करेंगे, नहीं है तो कौन मर गया? इसलिए ये ड्रामेबाजी है, कोई धर्म का इसमें अंश मात्र ये धार्मिक लोग नहीं है। इनको पॉलिटिकल एक्ट है, पॉलिटिकल यानी कि समाज को हिंदू मुस्लिम में पोलराइज करो, ये पोलराइजेशन का काम।